good morning dear students hope you all are fine and safe and sound at your homes i am your social studies teacher and this is video 8 lesson number 19 khandyazam Ilamakbal, motarma fatmaja it is related to history section history means study of past events in previous lecture we will explain Ilham Iqbal, in this lecture we will explain Qaid-e-Azam. You people know that that your books are new and not published and not available in market or bookshops. You have to note all the important things in your rough notebooks. So understand carefully and take out your rough copies. Qaid-e-Azam Muhammad Alijana. Her full name was Qaid-e-Azam Muhammad Alijana. आ डूरिंग पीरियड एज़ एटीन सेवनटी सिक्स टू नाइनटीन फोर्टी एट कादाजम मौसबान इन कराची ऑन ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर एटीन सेवनटी सिक्स कादाजम मोहम्मद जलालान पच्चीस दिसंबर को कराची में एटीन सेवनटी सिक्स में पैदा हुए बॉन्ड पैदाइश उनकी एटीन सेवनटी सिक्स एंड मफात उनकी नाइनटीन फोटी एट को थी ये उनका ड्यूरिंग पीरियड था एटीन सेवनटी सिक्स टू नाइनटीन फोर्टी एट तक ये उनका ड्यूरिंग पीरियड था quaid azam Muhammad Ali Jinnah was the founder of Pakistan. Muhammad Ali Jinnah is the father of our nation. Father of our nation baba-e-qaum bhi kaha jata hai unhe. He is known with affection and respect as quaid which means great leader. quaid means great leader, Azim Rehnuma. When he finished his schooling, he studied in London to become a lawyer. जब उन्होंने स्कूल की पढ़ाई वगैरह स्टडी ख़त्म की ही स्टडीड इन लंदन वो स्टडी के लिए लंदन गए बिकेम अ लायर लायर बनने के लिए लायर मीन वकील ऑन हिज रिटर्न ही वेंट टू बम्बई बम्बई वेयर ही प्रैक्टिस ला वापस जब वो आए तो उसके बाद वो बम्बई गए वहाँ उन्होंने कानून की पढ़ाई की प्रैक्टिस की ला मीन कानून वाज अ मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड लेटर बिकेम अ मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग ये डिफरेंट पार्टीज हैं जब वो मेम्बर थे एटीन इंडियन नेशनल कांग्रेस के तो उसके बाद वो मेम्बर बन गए मुस्लिम लीग के ड्यूरिंग द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस द मुस्लिम्स एंड हिंदूज इन इंडिया डिसग्रीड अवर मैनी थिंग जब आज़ादी की जब जंग जंग आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तब मुसलमान और हिंदू मतलब डिसग्रीड थे बहुत सारी चीज़ों के लिए क्योंकि मुसलमान और हिंदू एक स्टेट में नहीं रह सकते एट फर्स्ट जिना वर्क अनसीजनली टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर बट ही इज रियलाइज द पॉलिसीज ऑफ द दिंदूज वुड नॉट बेनिफिट द मुस्लिम्स फर्स्ट जिना सीजिंगली टू ब्रिंग ब्रिंद एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर बट ही सून रज़ जब उनको जल्दी से यही रॉइज़ हुआ एहसास हुआ कि हिंदू की पॉलिसीज़ जो हैं वो मुसलमानों के बेनिफिट नहीं हैं मुसलमानों के फ़ायदे के लिए नहीं है उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं क्योंकि मुसलमान और हिंदू एक स्टेट में नहीं रह सकते इनका रहना पीना लाइफ स्टाइल सब कुछ डिफरेंट था इसीलिए काद अजम ने बहुत कोशिश की थी पाकिस्तान जब बनने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की आफ्टर दिस ही रिवोटेड हिमसेल्फ टू डिफेंडिंग एंड प्रोमोटिंग मुस्लिम राइट्स एंड इंडिपेंडेंस मतलब उन्होंने मुसलमानों को आज़ाद एक अलग सेपरेट स्टेट के लिए बहुत कोशिश की बहुत वर्क आउट किया क्योंकि हिंदू एंड मुस्लिम्स एक स्टेट में नहीं रह सकते थे आफ्टर मैनी प्रोटेस्ट बाई द पीपल एंड एफर्ट्स बाई पोलिटिकल लीडर्स द ब्रिटिश फाइनली एगरी टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट मतलब बहुत ज़्यादा एहतजाज होने के बाद जब पॉलिटिकल लीडर्स के ऐतजाज वगैरह हुई एफर्ट्स हुई तो उसके बाद पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना विदाउट सिंसियर एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क ऑफ द कायदे सब कुछ जितनी भी एफर्ट्स वगैरह थी ये सब कायदाजम मोहम्मद अली जना थी तब जाके हमारे पास पाकिस्तान बना था ये सब कायदाजम मोहम्मद अली जनाह की अचीवमेंट थी जो उन्होंने मुसलमानों के लिए की थी जंग आज़ादी जंग आज़ादी से पहले भी और बाद में भी जब उनको ये रियलाइज़ था कि मुसलमान और हिंदू एक अलग स्टेट एक स्टेट में नहीं रह सकते तो उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत हद तक कोशिश की थी कादाजम मोहम्मद अली जना डाइड ऑन एलेवन सितंबर 1948 फोटी कादाजम मोहम्मद अली जना वफ़ात हुई ग्यारह सितंबर 1948 को इज़ इन कराची उनका मकबरा जो है वो कराची में है मज़ार मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ हर फुल नेम वादाजम मोहम्मद अली जिना ड्यूरिंग पीरियड एटीन सेवनटी सिक्स टू नाइनटीन फोटी एट मीन्स ही वॉज बॉर्न इन एटीन सेवनटी सिक्स एंड ही वॉज डाइड इन नाइनटीन फोटी एट आफ यू लिसन केयरफुली एंड नोट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर ऑफ कॉपीज कादाजम वॉज बॉर्न इन कराची ऑन ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर एटीन सेवनटी सिक्स कायद अजम महद जिना कराची में 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए बॉन्ड मीन पैदा होना कायद अजम मोहम्मद अली जिना वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिना इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन फादर ऑफ आवर नेशन में बबाई कॉम भी कहा जाता है ही इज़ नोन विद अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट मीन एहतराम करना इज़्ज़त करना अफेक्शन मोहब्बत से कायद अजम विच मीन ग्रेट लीडर ग्रेट लीडर मीन अजीम रहनुमा वैन ही फिनिश हिज स्कूलिंग ही स्टडीड इन लंदन टू बिकेम अ लॉयर जब उन्होंने स्कूल वगैरह फिनिश किया ही स्टडीड इन लंदन टू बिकेम अ लायर मतलब वो लंदन गए पढ़ाई के लिए बिकेम अ लायर वकील बनने के लिए ऑन इज इट एन ही वैन टू बम्बई मुंबई वेर ही प्रैक्टिस ला जब वो वापस आए लंदन से तो उन्होंने प्रैक्टिस की बम्बई में ला की कानून की पढ़ाई की उन्होंने प्रैक्टिस की लामीन कानून ही वॉज अम्बर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड लेटर बिकेम अ मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग के मम्बर से पहले वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मैंबर रह चुके थे कादाजम वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एंड कादम डाइड ऑन एलेवेंथ सप्तम्बर नाइनटीन फोर्टी एट कादाजम की वफ़ात हुई ऑन एलेवेंथ सितंबर नाइनटीन एट को ही वॉज बर्न कादम वॉज बर्न ऑन पर ट्वेंटी दिसंबर ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर एटीन सेवेंटी सिक्स ऑन इन कराची एंड ही वॉज डाइड ऑन एलेवंथ सितंबर नाइनटीन फोटी एट इज़ इन कराची अगेन आई एम रिपीट कादम डाइड ऑन एलेवंथ सितंबर 1948 फोटी एट एंड ही टॉम इज़ इन कराची अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इलामा इकबाल को एक्सप्लेन किया था एंड दिस वीडियो वीडियो नंबर वीडियो एट में हम लोगों ने फैदाजम को एक्सप्लेन किया इन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे नाउ इट्स टाइम टू होमवर्क लर्न लॉन्ग क्वेश्चन आंसर फ्रॉम वीडियो फाइव नाउ इट्स टाइम टू होमवर्क लर्न लॉन्ग क्वेश्चन आंसर फ्रॉम वीडियो फ़ाइव वीडियो फाइव की हेल्प से हम लोगों ने प्रीवियस जो तो लेक्चर हो चुके हैं हमारे उसमें वीडियो फाइव में हम लोगों ने रिटर्न वर्क किया था लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वन एंड टू का वो आप लोगों ने याद करना है लर्न लॉन्ग क्वेश्चन आंसर फ्रॉम वीडियो फाइव वीडियो फाइव की हेल्प से आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर वन एंड टू याद करना है अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू नाउ ओके स्टे सेफ एट होम एंड अल्लाह हाफिज़ हम लोग इन आगे कंटिन्यू करेंगे दिस लेसन अल्लाह हाफिज़